हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सोनाली सिंह आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। गाइस, आज मैं एक बहुत ही स्पेशल एंड बिल्कुल अलग वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि नॉर्मल लाइक मेकअप हो गया, हेयर स्टाइल हो गया, या पार्टीज या फंक्शन मेकअप की वीडियो तो आपको बहुत सारी यूट्यूब पर मिल जाती हैं, तो मुझे ऐसा क्या कुछ अलग करना चाहिए, न्यू मेकअप लेके आना चाहिए जो कि सबको पसंद भी आए और कुछ नया भी लगे सबको। तो बहुत सोचने के बाद मेरे माइंड में ये थॉट आया, ये आइडिया आया कि मैं इस टॉपिक पे मेकअप बनाती हूँ या मेकअप करके आपको दिखाती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। तो वीडियो किस टॉपिक या फंक्शन के लिए है वो आपको लुक एंड गेटअप देखने के बाद अपने आप पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। आप लोग लाइक नहीं करते एंड कॉमेंट करना भी ना भूलें। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम अपने फेस को किसी भी मॉइस्चर से अच्छी तरीके से मसाज कर लेंगे। उसके बाद लगाते हैं प्राइमर। आई मेकअप के लिए हमें कपड़ों का कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना होता है। इसके लिए हमें इस दिन येलो एंड रेड कलर बहुत ही शुभ माना जाता है, तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए ही अपना आई मेकअप करेंगे। तो मैं करने जा रही हूँ ब्राउन एंड येलो शेड का आई मेकअप। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना आईज़ का पहले नीचे का बेस बनाना है। जब हम अपना आई शेडो का बेस बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारी आई शेडो होती है वो काफ़ी उभर कर दिखती है। अगर हम इसे नहीं करेंगे, ये पॉइंट स्किप करेंगे, तो जो हमारी आई शेडो का कलर होता है वो काफ़ी लाइट दिखता है। तो आप अगर आपको डार्क में चाहिए तो आप आई शेडो का बेस बना लें, अगर आप लाइट करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब हम कर लेते हैं अपने आईज को हाईलाइट। तो मैंने आई शेडो पूरा कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले मैंने लाइट ब्राउन कलर लेके अपना जो ये वाला पोर्शन है आउटर एरिया का वो फिल किया। उसके बाद मैंने येलो कलर लेके मैंने मिडल पोर्शन को फिल किया है। येलो कलर थोड़ा सा डार्क दिखे इसलिए मैंने इस आई शेडो को प्राइमर के साथ मिलाकर उसके बाद फिल किया। एंड आईज को हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक लाइट हाइलाइटर लेकर इस अपर पोर्शन को हाईलाइट किया है। उसके बाद मैं करने वाली हूँ अब आईलाइनर। लाइनर लगा लिया है, अब हम आईब्रो बना लेते हैं। आईब्रो सेट करने के बाद हम मस्कारा, हल्का सा मस्कारा कर लेते हैं। मस्कारा करने से क्या होता है, जो आपके आई लाइसेस होते हैं वो थोड़े हैवी हो जाते हैं। इससे अगर आप फेक आई लाइसेस नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका जो आईज का लुक है वो बहुत ही गॉर्जियस दिखेगा। तो हमारा आई लाइनर हो गया, हमारा मस्कारा भी हो गया। अब हमें क्या करना है, हम सबसे पहले हम अपना बेस बनाएंगे। बेस बनाने से पहले हम करेक्टर यूज़ करेंगे। करेक्टर से क्या होगा, जो हमारे स्किन के जो ब्लैक पैचेस हैं वो हाइड हो जाएंगे। तो आप ऑरेंज या ग्रीन कोई सा भी करेक्टर यूज़ कर सकते हो। अब हम फाउंडेशन अपने फेस पे लगाएंगे, डॉट डॉट करके पूरे फेस पे आप फाउंडेशन लगा लो।
फाउंडेशन करने के बाद हम कोई भी पाउडर लेके इस फाउंडेशन को पूरे फेस पे अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा कंटूर कर लेते हैं फेस को, ताकि जो हमारा फेस है वो शेप में दिखे। कंटूर भी कर लिया है, अब ब्लश कर लेते हैं। हल्का सा हम हाईलाइट कर लेते हैं अपने फेस को। हाईलाइट कर लिया हमने पूरे फेस को अच्छी तरीके से। अब हमें करना है लिपस्टिक। अब हम मेकअप फिक्सर कर लेते हैं। तो मेकअप मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको एक मिनट में तैयार होके आती हूँ और आपको अपना गेटअप भी दिखाती हूँ कि आपको इसके लिए गेटअप कैसे कैरी करना है। आपको ध्यान रखना है कि येलो एंड रेड कलर बहुत शुभ माना जाता है इस दिन, तो आप यही दोनों में से चूज करें। कुछ भी आप साड़ी सूट या जो भी लहंगा वेयर कर रहे हैं, तो आपको मस्ट याद रखना है कि आपका जो कलर हो साड़ी या सूट या लहंगे का वो रेड या येलो हो। तो मैं भी अपना गेटअप एक मिनट में रेडी होके आती हूँ और आपको शो करती हूँ।